ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बद्री विशाल, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल वास्तु गुरु में। आज वास्तु गुरु चैनल एक लंबी यात्रा पर आपको अपने साथ ले चल रहा है। वह यात्रा होगी भगवान बद्री विशाल की, जो कि वैकुंठ धाम है, जहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। मैं चल पड़ा हूँ रेल मार्ग से एक लंबी यात्रा के लिए। यह यात्रा बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से आरंभ होकर के भगवान बद्री विशाल के द्वार तक अर्थात वैकुंठ धाम तक जाएगी। आप भी इस यात्रा का आनंद लीजिए और भगवान विष्णु के चरण कमलों में अपना प्रणाम कीजिए। हम लोग धीरे धीरे रेल मार्ग से चल पड़े हैं। कुछ दूर की यात्रा आपको रेल से करनी पड़ती है। आप रेल की यात्रा मात्र हरिद्वार अथवा ऋषिकेश तक कर सकते हैं। इसके बाद रेल मार्ग समाप्त हो जाता है और आपको पूरी यात्रा सड़क मार्ग से ही करनी होगी। इस सुंदर दृश्य को अपने आँखों में समेटिए और भगवान बद्री विशाल का ध्यान करिए और हमारे साथ बोलिए जय बद्री विशाल। आप सड़क के माध्यम से देखिए, यह तीखे मोड़, यह सुंदर पहाड़ियाँ, बीच में माँ गंगा बहती हुई हैं और मटमैला रंग, मिट्टी का पानी घुला हुआ है इसमें, और यह पर्वत का सुंदर दृश्य आप देखिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यह मनोहारी दृश्य देखते हुए आप आगे बढ़िए। बदली यहाँ भी छाई है और आगे पर्वत पार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पर्वत आ जाता है। बाबा केदारनाथ को याद करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तीखी पहाड़ियाँ, धूप की रोशनी सीधे आँखों पर पड़ रही थी। बगल में माँ गंगा की कलकल बहती धारा और उसकी आवाज लगातार कानों में गूंज रही है। हम लोग एक छोटे से पुल को पार करके आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शन के लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि रोड को चौड़ा करने का काम कर रही हैं। रास्ता धीरे धीरे पहले से पतला होता जा रहा है। बगल में पहाड़ का सुंदर मनमोहक दृश्य, तरह तरह के पर्वत दिखाई पड़ रहे हैं। हमारी यात्रा धीरे धीरे देवप्रयाग की तरफ बढ़ रही है। हम ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग की तरफ बढ़ चले हैं। देवप्रयाग वही स्थान है
जहां पर माँ गंगा का निर्माण होता है। एक तरफ से अलकनंदा जो बद्रीनाथ से आती हैं और दूसरी तरफ से भागीरथी जो गंगोत्री से आती हैं। दोनों का मिलन स्थल एक संगम पर होता है, वह संगम है देवप्रयाग। हम लोग धीरे धीरे देवप्रयाग की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं, मनमोहक दृश्य, सुंदर बदली के दृश्य और सुंदर पर्वतों के दृश्य को एक साथ आंखों में समेटने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस चलचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, बड़ा ही मनोहारी दृश्य प्रतीत होता है। अब पर्वत में हम ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। एक पर्वत समाप्त होता है तो दूसरा पर्वत सामने दिखाई पड़ने लगता है। हमें इंतजार था उस क्षण का जब देवप्रयाग का हम दर्शन कर सकें। हमने वाहन से ही देवप्रयाग के दर्शन किए और वाहन में रास्ते में जाते समय आपको भी देवप्रयाग के दर्शन होंगे। हम इसी चेष्टा के साथ, हमारे मन में यह उत्सुकता थी कि उस पवित्र स्थान का दर्शन हम जल्द से जल्द करें, जहाँ से माँ गंगा का निर्माण भागीरथी और अलकनंदा के संगम से होता है। रास्ते के बीच बीच में ढाबे भी मिलेंगे, जहां आप निवृत्त हो सकते हैं और हल्का जलपान ले सकते हैं। थकान के बावजूद एक पल भी झपकी लेने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा मनोहारी दृश्य का एक भी क्षण छूट जाए यह इच्छा ही नहीं थी। क्योंकि एक तरफ माँ गंगा का सानिध्य और दूसरी तरफ सुंदर पर्वत दिखने लगे थे। हम लोग आगे बढ़े और माँ धारी देवी का मंदिर दिखने लगा। उत्तराखंड की यह कुल देवी हैं। एक बार 2013 के प्रलय से पहले इस मंदिर को अन्यत्र ले जाने की चेष्टा की गई और अगले ही दिन महाप्रलय आ गया, जिसने संपूर्ण उत्तराखंड को त्रासदी में डाल दिया। यह उसी धारी देवी का मंदिर है और इस मंदिर के पास चल रही परियोजना को यथावत छोड़ दिया गया। फिर दोबारा इस मंदिर को हटाने की चेष्टा नहीं की गई। ऐसा माना जाता है कि माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षा करती हैं, परंतु इनका सम्मान करना भी हम सब का कर्तव्य बनता है। धीरे धीरे माँ गंगा का वेग तेज होता जा रहा है और नदी का पाट चौड़ा होता जा रहा है। पर्वत की श्रृंखलाएं और भी सुंदर और मनोरम दिख रही हैं और तीखे तीखे मोड़, मनोहारी दृश्य, सुंदर मनोरम मौसम और केदारनाथ पहुंचने की उत्सुकता, इन तीनों का संगम भी हृदय में हो रहा था। हम लोग श्रीनगर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं।
हम लोग धीरे धीरे श्रीनगर की तरफ बढ़ चले हैं। रास्ते थोड़े पतले और कहीं कहीं पर थोड़े से खराब मिलते हैं। हम लोग धारी देवी के मंदिर से आगे बढ़कर इस पुल को पार करेंगे और इस पुल को पार करके नदी के दूसरी तरफ बने हुए सड़क से आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश देवप्रयाग होते हुए अब हमारी यात्रा शनह शनह रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ चली है। रुद्रप्रयाग शहर भी दिखने लगा है, बड़ा ही सुंदर शहर है। बगल में मंदाकिनी नदी की कलकल करती धारा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है और यहाँ के लोग कितने भाग्यशाली हैं। रुद्रप्रयाग जहाँ दो नदियों का संगम होता है, ईश्वर की कितनी असीम कृपा है कि इस संगम का दर्शन भी प्राप्त हुआ। हम लोग धीरे धीरे तीखे मोड़ और घुमावदार रास्तों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में अठखेलियाँ करती हुई नदियाँ और छोटे मोटे पुल भी पड़ रहे थे और सामने रेलवे का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, टनल बन रहे हैं। भविष्य में रुद्रप्रयाग को ऋषिकेश से जोड़ने के लिए रेल मार्ग तैयार किया जा रहा है, जिससे लोग आसानी से रेल के माध्यम से यहाँ पहुँच सकें। यह देखिए रुद्रप्रयाग का संगम। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम रुद्रप्रयाग का दर्शन करके हम लोग बद्री विशाल की तरफ बढ़ चले हैं। बद्री विशाल का मार्ग रुद्रप्रयाग से ही अलग होता है। एक मार्ग केदारनाथ चला जाता है, एक मार्ग चोपता होते हुए तुंगनाथ तक जाता है। चोपता को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहीं से मात्र 3 किलोमीटर की चढ़ाई पर भगवान तुंगनाथ, जो कि पंच केदार में से एक हैं, वहां दर्शन के लिए लोग जाते हैं। परंतु हमारा रास्ता रुद्रप्रयाग से भटवाड़ी होते हुए कर्णप्रयाग और तत्पश्चात चमोली तक जाएगी, जो कि बहुत बड़ा जिला है और हमेशा यहाँ भूस्खलन होता रहता है। यह रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हम लोग अब अलकनंदा नदी के किनारे किनारे बने हुए रास्ते से कर्णप्रयाग की तरफ बढ़ चले हैं। यहाँ पर रास्ते तो अच्छे हैं, परंतु भूस्खलन वाला क्षेत्र पड़ता है। बगल में बहती हुई अलकनंदा नदी विशालकाय प्रतीत होती हैं, बहुत ही चौड़े पाट हैं और हरियाली से भरा हुआ बहुत ही विहंगम दृश्य है। हम लोग धीरे धीरे भटवाड़ी की तरफ जा रहे हैं। इसके बाद भटवाड़ी नामक स्थान से हम लोग धीरे धीरे
कर्ण प्रयाग की तरफ जाएंगे। कर्ण प्रयाग भी तीर्थ स्थान है और यहाँ की महत्ता बहुत ही अद्भुत है। कर्ण प्रयाग अलकनंदा तथा पिंडर नदी का संगम है, जो ऊंचाई पर पिंडर हिम नदी से निकलती है। अलकनंदा एवं पिंडर नदी के संगम पर बसा कर्ण प्रयाग धार्मिक पंच प्रयागों में तीसरा है, जो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण तीर्थ हुआ करता था। बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए साधुओं, मुनियों, ऋषियों एवं पैदल तीर्थ यात्रियों को इस शहर से गुजरना पड़ता था। यहाँ एक उन्नतशील बाजार भी था और देश के अन्य भाग से लोग आकर यहाँ बस गए, क्योंकि यहाँ व्यापार के अवसर उपलब्ध थे। इन गतिविधियों पर 1803 की बिरेही बाढ़ के कारण रोक लग गई, क्योंकि शहर प्रवाह में बह गया। उस समय प्राचीन उमा देवी मंदिर का भी नुकसान हुआ। भगवान बद्री विशाल के मार्ग पर जाते समय अलकनंदा नदी के किनारे दोनों तरफ बड़े बड़े पर्वत हरियाली से भरी हुई देवभूमि साक्षात यह बता रही है कि यही देवभूमि है। यहाँ आने पर अद्भुत सी ऊर्जा प्रतीत होती है, साक्षात देव शरण में जाने का सौभाग्य सा लगता है। हम लोग धीरे धीरे चमोली शहर की तरफ बढ़ चले हैं और कर्णप्रयाग से चमोली का मार्ग अत्यंत ही सुंदर और अलकनंदा के विशाल चौड़े पाट के किनारे किनारे जाता है। आप कैमरे में जगह जगह देख सकते हैं कि कर्णप्रयाग से चमोली की तरफ अलकनंदा नदी कितनी स्पष्ट और विशाल प्रतीत होती हैं। नदी के कलकल बहती धारा की आवाज ऊपर रास्ते तक आती है। अगल बगल चौड़े चौड़े पाट हैं और विशाल पर्वत से यह मार्ग घिरा हुआ है। चमोली से आगे अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं। ताला और पीपल कोटी की तरफ। पीपल कोटी में एक छोटा सा बाजार है, जहां पर आप अपने आवश्यकता की सारी वस्तुएं खरीद सकते हैं। पीपल कोटी का भी अपना स्थान है, अपना महत्व है। यहां पर वृद्ध बद्री का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह पीपल कोटी से जोशी मठ के रास्ते पर स्थित पांच बद्री में से एक है। पीपल कोटी बर्फ से ढके पहाड़
और हरी भरी पहाड़ियों का सुंदर दृश्य प्रदान करता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर अचानक से सारी हरियाली समाप्त हो जाती है, सिर्फ बड़ी बड़ी चट्टाने, ऊंचे ऊंचे पर्वत और बीच की घाटी में दौड़ते हुए वाहन दिखाई पड़ते हैं और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। बड़े बड़े लैंडस्लाइड के निशान यहाँ पर हैं। जेके पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है और उसी के वाहन दिखाई पड़ते हैं। और ऐसी अद्भुत यात्रा जीवन में कहीं देखने को नहीं मिलेगी। चाहे आप लेह लद्दाख चले जाइए या किसी अन्य पर्वतीय श्रृंखला पर, यह अद्भुत दृश्य बद्रीनाथ जाते हुए ही दिखाई पड़ेगा और जोशी मठ तक ऐसा ही प्रतीत होगा। अब हम धीरे धीरे जोशी मठ की तरफ बढ़ चले हैं। जोशी मठ अत्यंत पवित्र स्थान है। जोशी मठ को ज्योतिर्मठ के नाम से भी जानते हैं। यह चमोली जिले में स्थित एक नगर है जहां हिंदुओं की प्रसिद्ध ज्योतिष पीठ स्थित है। इसका धर्म अधिकार क्षेत्र संपूर्ण कौशल देश तक आता है। यहां 8वीं सदी के धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त हुआ था और बद्रीनाथ मंदिर तथा देश के विभिन्न कोनों में तीन और मठों की स्थापना से पहले यही उन्होंने प्रथम मठ की स्थापना की थी। शीतकाल में बद्रीनाथ की गद्दी यहीं पर विराजती है जहां नरसिंह भगवान के सुंदर एवं पुराने मंदिर में इसकी विधिवत पूजा की जाती है। बद्रीनाथ औली तथा नीति घाट के सानिध्य के कारण जोशी मठ एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ पर भगवान बद्री विशाल की शीतकालीन मूर्ति तो रहती ही है, साथ में यहाँ बहुत सारे पूजित स्थल हैं। यहीं से एक रास्ता औली, जो कि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, वहाँ के लिए भी लोग जाते हैं। रास्ते के सुंदर दृश्यों को देखते हुए हमारी यात्रा धीरे धीरे जोशी मठ से गोविंद घाट की तरफ जा रही है। गोविंद घाट वह स्थान है जहां पर एक और मार्ग आपको मिलेगा, जो कि सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंट साहिब की तरफ जाता है। हेमकुंट साहिब में बहुत सारे सिख तीर्थ यात्रा करते हैं, जो कि सदैव हिमखंड से ढका हुआ रहता है। यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या की थी, इसलिए यह सिखों का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। गोविंद घाट के पास में ही फूलों की भी घाटी है। यहाँ पर प्रकृति से प्रेम करने वाले लोग घूमने के लिए आया करते हैं। गोविंद घाट से आगे बढ़कर पांडुकेश्वर आता है और यहीं से वह इच्छा लगभग पूर्ण होने वाली प्रतीत होती है। यह इच्छा है भगवान बद्री विशाल के स्थान का दर्शन, स्थान को निहारते रहने की इच्छा और चार धामों में से एक उत्तर में भगवान बद्री विशाल के तीर्थ स्थल का दर्शन, जहां साक्षात भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में विराजमान हैं। यहां पांडवों ने दर्शन किया और स्वर्गरोहण के लिए उनसे अनुमति ली थी। वह पवित्र स्थान हमें यहीं पर आकर के दिखेगा।
बद्री विशाल का मंदिर है। वह नर और नारायण नामक दो पर्वतों के बीच स्थित है। गर्भगृह में भी भगवान बद्री विशाल शालिग्राम की प्रतिमा के रूप में अपना दर्शन भक्तों को देते हैं। एक तरफ भगवान नर और दूसरी तरफ भगवान नारायण और सामने में भगवान नारद जी की मूर्ति है और शंकराचार्य की गद्दी भी इसी प्रांगण में स्थित है। माँ लक्ष्मी की मूर्ति है, हनुमान जी की भी मूर्ति है, पास में यज्ञ कुंड भी बना हुआ है। तप्त कुंड में लोग स्नान करके प्रातः काल भगवान बद्री विशाल का दर्शन करके अपने को अभिभूत महसूस करते हैं। दर्शन करने के बाद लगता है कि संसार की सबसे बड़ी कृपा आप पर ही भगवान बद्री विशाल ने की है।